सो हेलो एवरीवन, TFF के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, मान रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ही कुछ ऐसा था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फॉर मास गेन एंड बल्किंग, बट मुझे एक्चुअली क्योंकि ये एक ऐसा ही टॉपिक है जिसमें कि एक पूरा प्रोग्राम बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोग्राम के अंदर 5 to 6 वीडियोज़ बन सकती है। तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो फाइनली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और फ्यूचर में भी आपको बल्किंग एज वेल एज मास गेनिंग को लेकर डाउट है या फिर और भी वीडियोस चाहिए, मैं अवश्य से बनाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक को कवर करके मैं सभी वीडियोस ला सकूँ आपके सामने। तो आज अपने वीडियो में हम लोग बल्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे टोटली। इट्स ऑल अबाउट बल्क। लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो लोग बल्किंग के नाम में जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं, जंकी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं जिससे कि उनको एम्प्टी कैलोरीज मिल रहा है। तो ये सब मिस्टेक्स के ऊपर से हम लोग पर्दाफाश करने वाले हैं, और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगा कि आपका अच्छा बल्किंग हो, आप फैट ना गेन करें, आप फैट का जगह मास गेन करें। याद रखें, मास गेन करना और वेट गेन करने में दोनों में अंतर है। तो वीडियो पे बने रहिए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, यू वाचिंग TFF एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले अगर बात आती है बल्किंग की, जिसको कि हम लोग क्लीन बल्क कहते हैं, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है टू कंप्लीट, राइट? बिकॉज अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं जिम जाके या फिर डाइट फॉलो करके, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके वो लोग का बॉडी बल्क नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन हैं, ये मेरा भी उनसे सामना हुआ है कई बार, कि वो लोग ऐसा कह देते हैं आप एक्टोमॉर्फिक हो, आपका बल्क नहीं हो सकता है, आप मेसोमॉर्फिक हो, आप एंडोमॉर्फिक हो, आपका घट नहीं सकता। ये सब बुलशिट है। हार्ड वर्क पेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो बल्किंग इज टफ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर डाइट, जो मैं रेकमेंड करूँगा, बल्किंग का मतलब ये नहीं है आपको जो मिलता है पिज्ज़ा वगैरह, बर्गर, फ्राइड, तला हुआ, कुछ भी खा लो, मैं आज बताऊँगा इसमें। तो सबसे पहले अगर आपका डाइट ठीक ठाक रहेगा, आपका एक्सरसाइज ठीक ठाक रहेगा, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करोगे, आपको 100% मैं लिख के देता हूँ, 1 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट दिखने को मिलेगा। जी हाँ, विजिबल रिजल्ट दिखने को मिलेगा। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा है, वो लोग जंकी खाना खाते हैं जिससे कि उनको एम्प्टी कैलोरीज मिलता है, उनका शरीर बल्क होने के जगह और डिटोरिएट कर जाता है, उनका स्पॉट फैट उनको दिखने को मिलता है, जैसे कि आपका लोअर बेली फैट, लोअर चेस्ट फैट, साइड बेली फैट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ इससे उससे क्या होता है कि वो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं इस चीज़ से, कि वो लोग खाना खा रहे फिर भी उनका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इससे कि क्या होता है कि अल्टीमेटली वो रेस्ट ऑफ द लाइफ स्किनी या फिर स्किनी फैट रह जाते हैं, और इसी तरीके से चलता है। तो जो सबसे पहला टिप आपको दूंगा जो बल्किंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कीप योर कार्ब्स अप। जी हाँ, अगर आप जिम में जाते हो, अगर आप किसी ट्रेनर को हायर करते हो, वो हमेशा आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको कहेगा कि आपको अगर अच्छी फिजिक चाहिए तो आप कार्ब्स खाना आप कम करो, क्योंकि आप जिम में जाते हो ना, एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है कि प्रोटीन लेना है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। ये प्रोटीन के चक्कर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लोग स्किप कर देते हैं। फैट लोगों का ऐसा बैठ गया है कि कार्ब्स में तो बॉडी नहीं बनेगी, फैट्स तो हमारे लिए हार्मफुल है, फैट्स नहीं खाना है, और माइक्रोज को तो बहुत लोगों का नॉलेज ही नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, सबका एक ही है प्रोटीन। ये टोटली रॉन्ग है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मसल सेल्स में ग्लाइकोजन का अमाउंट वो नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे उसमें आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और गुड फैट्स एट द सेम टाइम आपको खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन ना खाए। जी हाँ, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मसल्स। प्रोटीन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बल्किंग, और कार्बोहाइड्रेट्स एट द सेम टाइम। जी हाँ, प्रोटीन तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपको चाहिए। तो फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे, आपके मसल सेल में वो ग्लाइकोजन का अमाउंट को बढ़ाएगा, जिससे कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं। वो एनर्जी जब प्रोवाइड करेगा, आप 2 रेपिटेशन ज़्यादा लगा सकते हो, आप ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हो, जो कि आपके बल्किंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। जी हाँ, तो कीप अप योर कार्ब्स।
कार्ड्स पे कभी गिव अप मत करें, क्योंकि आपको तो स्टेज में अभी जाके खड़ा नहीं होना, आपको पहले अपना फ्रेम ठीक ठाक करना है। स्टेज में क्या होता है, आपको बॉडी से वाटर ड्रेन आउट करना पड़ता है, तब आपको कार्ब्स, क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखें, एक बॉडी बिल्डर सबसे वीक कंडीशन अपने लाइफ का स्टेज में रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में ना कार्ब्स रहता है ना ठीक तरीके से उसका बॉडी में वाटर रहता है। कार्ब्स का काम है आपके बॉडी में वाटर होल्ड करना, ग्लाइकोजन को ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि आपको एनर्जी मिले आपको किसी भी काम करने में, या वेट लिफ्टिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी वगैरह। तो ऑलवेज कीप योर कार्ब्स अप, अच्छे कार्ब्स आप कंज्यूम करें, ऐसा नहीं कि फ्राइड या फिर कुछ मतलब सोडा हो गया वगैरह, ये सब नहीं, अच्छे कार्ब्स जैसे कि आपका राइस हो गया, स्वीट पोटैटोज़ हो गया, पोटैटोज़ हो गया, ब्रेड हो गया वगैरह, जी हाँ। और हमेशा याद रखें कि कार्ब्स का अपने थ्री बेस्ट मील्स जिसको मैं कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें बड़े पोर्शंस लेने की कोशिश कीजिए, ये गुड कार्ब्स। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टिप। जो हमारा दूसरा टिप है वो है स्टिक टू ओल्ड स्कूल वर्कआउट्स। जी हाँ, मॉडर्न एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि यूजुअली आजकल सुपरसेट्स या फिर सर्किट एक्सरसाइजेस का चलन है ज़्यादा, जिसमें कि रेस्ट का बहुत ही कम टाइम लिया जाता है रेस्ट में, हर एक एक्सरसाइज के बीच में, और इट्स गुड फॉर इम्प्रूविंग जनरल हेल्थ मैं मानता हूँ, और सेम टाइम ये आपका वेट भी लूज करता है। लेकिन अगर आपको सीरियस बल्किंग करना है, यू हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच, दैट्स क्लियर, राइट? आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा इसके लिए। तो जो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है उसमें होता है कि आपको हर एक एक्सरसाइज में एक एक सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते चाहे जो भी हो जाए। और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज में 1 से 2 मिनट का गैप होता है, 1 से 2 मिनट का सेट के बीच में, इससे कि आपका मसल रिलैक्स के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, रिकवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, मसल रिकवरी। तो मैं कहूँगा कि ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज आज भी अपने प्राइम में है, इवन मैं भी ओल्ड स्कूल ही ट्रेन करता हूँ, इससे कि आपका बॉडी फ्यूचर प्रूफ हो जाता है, उतना जल्दी घटेगा नहीं। तो ऑब्वियसली गो फॉर ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस इफ़ योर प्लान्स आर फॉर सीरियस बल्क। और हमारा जो तीसरा टिप है वो है इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। जी हाँ, अपना प्रोटीन कंजम्पशन को बढ़ाएं। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा है कि प्रोटीन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ बल्किंग, बल्किंग के लिए प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन्स में एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि ये मसल बिल्डिंग या फिर मसल ग्रोथ या फिर मसल रिपेयरिंग का प्रोसेस को बढ़ाता है। जी हाँ, आपके हर मील में एक प्रोटीन का अमाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन में जो एमिनो एसिड है वो आपके मसल ग्रोथ को एज वेल एज मसल रिपेयरिंग को बूस्ट करता है। तो प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ प्रोटीन रिच फूड्स जो आप ले सकते हैं, हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि चिकन, फिश, एग्स, पनीर या फिर कुछ स्नैक्स जैसे कि प्रोटीन बार हो गया, नट्स हो गया, उसके बाद प्रोटीन क्रैकर्स, प्रोटीन बिस्किट्स, तो ये आपको हमेशा कंज्यूम करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, मसल बिल्डिंग का प्रोसेस हो या फिर फैट लॉस का प्रोसेस हो, प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो हमारा टिप नंबर 4 है वो है सारे दिन में 5 से 6 छोटे छोटे मील्स खाएं। इसका ये फंडा है कि आप 5 से 6 छोटे छोटे मील्स अगर खाते हो तो आपके बॉडी में सारे दिन में आपको एक स्टेबल अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड प्रोवाइड होता है, जिससे कि वो एक ईंधन की तरह काम करता है आपके मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर वाले प्रोसेस में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, उसके 30 से 40 मिनट्स के अंदर आप प्रोटीन शेक्स का कंज्यूम करें। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो एनाबॉलिक हार्मोन्स है वो ऑप्टिमाइज रहेगा, और ये जो मसल बिल्डिंग या फिर बल्किंग के प्रोसेस को ये प्रमोट करता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और जो टिप नंबर 5 और जो लास्ट टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेक ईटिंग योर जॉब। जी हाँ, खाने को अपना प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट जॉब बनाएं, इसी से ही आपका बल्किंग होगा। आप बहाना ना दें, आप 3 ह्यूज मील्स डिवाइड कर ले हर दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये आपको करना है बड़े मील के साथ प्रॉपर अमाउंट में, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, एट द सेम टाइम प्रोटीन रहेगा। जी हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली लिफ्ट और अच्छा डाइट फॉलो करेंगे तो आपको बल्किंग करने से कोई नहीं रोक पाएगा, जी हाँ, खुद आप भी नहीं। तो हमेशा सुबह जब आप उठे, ऐसा प्लान कर ले कि आज मैं ये खाने वाला हूँ, आज मैं वो खाने वाला हूँ, इसके बाद मैं हमेशा प्लान करते रहे जब आप सोने भी जाए कि कल सुबह मैं ये खाने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो एक्सक्यूजेस है ना, सो कॉल्ड मैं खाना भूल गया, उसके बाद मैं बहुत बिजी हूँ, ये सब ढक जाएगा। जी हाँ, तो मील आप स्किप ना करें। जी हाँ, नेवर स्किप योर मील इफ़ योर गोल इज़ टू बल्क। जी हाँ, ये हमेशा ध्यान रहे, 3 ह्यूज मील्स आपको कंज्यूम करना ही है जैसे तैसे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
तो आपको अगर बल्क रिलेटेड और भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। मैं और भी फ्यूचर में बल्किंग रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूं। तो आज का वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरीके की कॉन्टेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।